दिन तारीख की उलझन का हल। 180 दर्जा तुलुल बलत पार करते वक्त चंद एहतियात ज़रूरी है, क्योंकि बुनियादी तुलुल बलत से मशरिक या मगरिब की सिमत जाने के बाद 180 दर्जा तुलुल बलत 12 घंटों के फ़र्क से आता है, जिसकी वजह से इस तुलुल बलत के हिसाब से दिन और तारीख में तब्दीली या इजाफा किया जाता है। आलमी इशारों के एतबार से ज़मीन पर दिन और तारीख की इब्तिदा और इख्तिताम 180 दर्जा तुलुल बलत पर ही होता है। इसलिए बैनुल अक्वामी खाते तारीख खींचते वक्त दर्जेल बातों का ख्याल रखा जाता है। सफ़र की सिमत, जारी दिन और तारीख। जापान से अमेरिका की तरफ बैनुल अक्वामी खाते तारीख पार करते वक्त वही दिन वही तारीख फ़र्ज की जाती है, यानी जुमेरात को 25 दिसंबर होगा तो जुमेरात 25 दिसंबर ही फ़र्ज किया जाएगा। इसके बरक्स अमेरिका से जापान की तरफ बैनुल अक़वामी खते तारीख पार करते वक्त दिन और तारीख एक दिन आगे ले जाई जाती है, यानी जुमेरात 25 दिसंबर हो तो जुमा 26 दिसंबर फ़र्ज कर लिया जाता है। शक्ल 7:2 और दर्ज ज़ैल मिसालों के ज़रिए ये बात ज़्यादा वाज़ह होगी। समय जापान से, मतलब बैनुल अक़वामी खते तारीख से मगरिब की जानिब, 1 तारीख बरोस पीर दोपहर 13 बजे अमेरिका के लिए बैनुल अक़वामी खते तारीख मशरिक की तरफ रवाना हुआ। 24 घंटे का हवाई सफ़र मुकम्मल करके जब वो अमेरिका पहुंचा और वहाँ के हवाई अड्डे पर तारीख और दिन देखा तो पीर 1 तारीख का 13 बजे रहा था। समीर 5 तारीख बरोज जुमा दोपहर 12 बजे अमेरिका से मशरिक से जापान मगरिब की तरफ रवाना हुआ। वो 24 घंटे का हवाई सफ़र मुकम्मल करके जापान पहुंचा तो वहाँ के हवाई अड्डे पर दिन व तारीख देखने पर इसे सनीचर 6 तारीख दोपहर के 12 बजे नज़र आए। बैनुल अक़वामी खते तारीख के एतबार से ये फ़र्ज किया जाता है कि ज़मीन पर बैनुल अक़वामी खते तारीख मगरिब से शुरू होता है और मशरिक पर ख़त्म होता है। 180 दर्जा तुलुल बलत पर रात के 12 बजे एक ही दिन होता है, वहाँ से मशरिक की तरफ यानी रियासत हाय मुत्तदा अमेरिका चिल्ली वगैरह ममालिक के नुक्ते नज़र से वो दिन के इख्तिताम का लम्हा होता है, जबकि वहाँ से मगरिब की तरफ यानी जापान ऑस्ट्रेलिया वगैरह ममालिक के नुक्ते नज़र से दिन की इब्तिदा होती है। अब सवाल पैदा होता है कि 180 दर्जा तुलुल बलत के एतबार से दिन और तारीख क्यों नहीं बदलती।